हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेज एंड जॉब ट्रेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज की, जो कि तमिलनाडु वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी ने निकाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल पर नए हैं अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया है तमिलनाडु वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी से आया है, जो कि तमिलनाडु इंडिया में लोकेटेड है। तो यहाँ पे देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर 2021। तो यहाँ पे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2021 दे रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते 46 पोस्ट टोटल है और यहाँ पे 3 बैकलॉग पोस्ट है, इंक्लूडिंग फॉर वैकेंसी न्यूली एस्टेब्लिश वेटरनरी कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एट सलेम थेनी एंड उदमाल पेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने जो क्वालिफिकेशन रजिस्ट्रेशन फी का जो भी डिटेल, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.tanuvest.ac.in पर डायरेक्टली मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे जाके अपना जितना भी डिटेल है क्वालिफिकेशन का, रजिस्ट्रेशन का, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म में अलॉन्ग विद योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इस शुड रीच बिफोर 30 जुलाई 2021। तो यहाँ पे लास्ट डेट 30 जुलाई 2021 है। तो इससे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इज शुड रीच टू द रजिस्ट्रार तमिलनाडु वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी माधवरम मिल्क कॉलोनी चेन्नई 51। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे फी पेमेंट की, तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन का जो फी पेमेंट वो 1000 रुपीज़ है और 500 रुपीज़ है SC ST के लिए। वहीं अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए, तो उनके लिए 1000 रुपीज़ का जो है फी पेमेंट करना पड़ेगा। आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा तभी आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप जो है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको डिमांड ड्राफ्ट 1000 रुपीज़ का बनाना है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है और आपको अपना एनवेलप पे मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। और आपको अगर बैकलॉग वैकेंसीज में अप्लाई कर रहे हैं तो बैकलॉग में करिए, नहीं तो आप डायरेक्टली जो है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर जो है आप डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फॉर जो ये जो कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शुड एग्जीक्यूट अ बॉन्ड टू सर्व इन द यूनिवर्सिटी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ये बॉन्ड साइन कराना पड़ेगा ताकि आप 3 ईयर्स तक आपको यूनिवर्सिटी छोड़ के ना जा पाए। ठीक है, अगर आप 3 ईयर्स के बाद जाना चाहते तो मे बी आप जा सकते हैं, लेकिन आप 3 ईयर्स के अंदर आप कोई भी लाइक के दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं, अगर आप इस यूनिवर्सिटी को छोड़ के जाते हैं, तो यहाँ पे आपको जो 30,000 रुपीज़ का जो है फाइन देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को। ठीक है, तो इसके अलावा हम कुछ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो चलिए हम देख लेते डिटेल और नंबर ऑफ पोस्ट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पूरा जो पोस्ट है वो देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ 46 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, 3 बैकलॉग है और यहाँ पे देखिए जितने भी डिसिप्लिन है, चाहे वो एनिमल न्यूट्रिशन हो, वेटरनरी एनाटॉमी, वेटरनरी बायोकेमिस्ट्री, देखिए ऑलमोस्ट जितने भी लाइक डिसिप्लिन है उन सब में नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन कर रखा है। साथ ही साथ जो वैकेंसीज हैं वो रेगुलर यानी कि अभी परमानेंट पोस्ट है यहाँ पे, तो वैकेंसीज भी उन्होंने मेंशन कर रखी है। SC ST या देखिए यहाँ पे BC मुस्लिम या SC 1 ऐसे करके इन्होंने देखिए सब सारी वैकेंसी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बैकलॉग वैकेंसी मेंशन कर रखी। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए, जिस भी डिसिप्लिन में आपने अपना PG डिग्री या PhD डिग्री अपने ऑब्टेन किया है, तो आप उसके थ्रू जो है उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आप डिसिप्लिन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी कौन सी कैटेगरी में पोस्ट अवेलेबल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप BC कैटेगरी में कोई पोस्ट है तो आप BC कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर SC में है तो SC के लिए कर सकते हैं। अगर आपका BC SC में वैकेंसी नहीं है, अगर आपका जनरल कैटेगरी में, तो डायरेक्टली जनरल कैटेगरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे फैकल्टी को बेसिक साइंसेस में जो डिसिप्लिन दे रखा है, एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक्स, एनिमल हस्बेंड्री, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर भी पोस्ट को यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल जो 46 पोस्ट है और रिमेनिंग 3 पोस्ट है वो बैकलॉग पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पे 49 जो पोस्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल की, तो यहाँ पे आपको लेवल 10 का असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको यहाँ पे ग्रेड दिया जाएगा और आपका जो है एंट्री पे रहेगा वो 57,700 रहेगा। अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट द अलाउंस एज पॉसिबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 11 या कंसर्न सब्जेक्ट में, मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए आपके, और आपका UGC नेट या CSI नेट क्लियर होना चाहिए। और आपका अगर आपके पास UGC या CSI नेट नहीं है, तो आपका जो स्टेट एलिजिबिलिटी स्टेट लाइक टेस्ट जैसे सेट या स्लेट भी बोलते हैं, वो आया तो आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका PhD डिग्री हो, आपने PhD डिग्री 2009 से पहले रजिस्टर की है, तो आपका जो है PhD डिग्री रेगुलर मोड में होना चाहिए। आपके थीसिस को एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जाम एक्सटर्नल एग्जाम ने इवेलुएट किया होना चाहिए। आपका रेगुलर ओपन PhD बाय वॉइस हुआ होता होना चाहिए। आपका एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर होना चाहिए आपका PhD थीसिस से
ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अगर आपने अपना पीएचडी डिग्री जो है वो एब्रॉड से ऑप्टेन किया है, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप 500 में आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्यूएस द एंड आरू। ठीक है, तो ये आपका एलिजिबिलिटी मैंने आपको यहाँ बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया, और इसके अलावा आपकी जो यहाँ पे टोटल नंबर पोस्ट हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी गई है। ठीक, इसके अलावा आप चेकलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप चेकलिस्ट देख सकते हैं कि आपको क्या क्या जो है वो सेंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, एकेडमिक लेवल 10 का आपको यहाँ पे पे ग्रेड दिया जाएगा, तो यहाँ पे बीएससी लाइक बेसिक डिग्री आपको, फिर मास्टर डिग्री, ये सब आप देख सकते हैं क्या क्या आपको सेंड करना है। तो यहाँ पे देखें, नेट का सर्टिफिकेट, पीएचडी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास अकॉर्डिंग टू यूजीसी, या अगर आपने टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग से अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से किया है अब्रॉड से पीएचडी, तब उसके लिए भी आप वो भी शो कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डिमांड ड्राफ्ट, इन्क्लोजर्स में आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ डेथ, नेटिविटी, कम्युनिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कहीं पहले काम कर चुके हैं या अभी काम कर रहे हैं वो, एक्सपीरियंस अगर आप टीचिंग या रिसर्च एक्सटेंशन का एक्सपीरियंस वो, रिसर्च पब्लिकेशन अवार्ड या अदर, अगर आपके पास कोई पेटेंट या इनोवेशन या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है या एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट है, तो आप वो भी यहाँ पे जो है दे सकते हैं। तो इतना सारा जो यहाँ पे टिक बॉक्स के इन्होंने ने दे रखा है बॉक्स, तो उसे अगर आपके पास जो भी चीज़ें उसे टिक करिए, और टिक करने के बाद जो है ये सारी चीज़ें आपको सेंड कर देना है तमिलनाडु वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी में। तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी जो है मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे आपको सेंड करना है रजिस्ट्रार तमिलनाडु वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी माधवरम मिल कॉलोनी चेन्नई 51 बिफोर 30 जुलाई 2021। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके अलावा देखिए यहाँ पे असेसमेंट क्राइटेरिया मेथोडोलॉजी अगर आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए पूरा आपका एपीआई इंडेक्स के बेस पे जो है आपको यहाँ पे जॉब मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। देखो, ग्रेजुएशन में दे रखा है आपको 10 पॉइंट ग्रेड में 6 एंड बिलो है 9, अगर आपका अबव 8.5 है तो 18, तो ऐसे करके यहाँ पे इन्होंने जो है पूरा बता रखा है कि आपका जो एपीआई इंडेक्स है वो किस बेस पे मिलेगा। ऐसे पीएचडी डिग्री अगर आपके पास है तो उस कैसे आपको यहाँ पे एपीआई इंडेक्स में आपको स्कोर दिया जाएगा, अवार्ड्स अगर आपके पास हैं तो आपको कैसे अवार्ड दिया जाए मतलब कि एपीआई इंडेक्स में दिया जाएगा। ये देखिए, रिसर्च पब्लिकेशन अगर आपके पास हैं तो यहाँ पे देखिए इन्होंने नेस रेटिंग जो है वो मेंशन कर रखी है, अगर फर्स्ट ऑथर है तो 2, अगर को ऑथर विल इक्वली शेयर एमंग देमसेल्फ 50% ऑफ द मार्क्स स्पेसिफाइड फॉर द फर्स्ट ऑथर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेकंड ऑथर भी पेपर है तब यहाँ पे आपका जो मार्क्स है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर फर्स्ट ऑथर है अबाउट 6 में तो 6, अबाउट तो सॉरी आपको 2, अबाउट 5 to 6 है तो यहाँ पे आपको 1.5 रिमार्क्स दिया जाएगा, अबाउट 4 to 5 है तो 1, 4 एंड बिलो 0.5। ठीक है, मार्क्स एज पर पेपर, को ऑथर में आपको क्या है, को ऑथर विल इक्वली शेयर एमंग देमसेल्फ 50% ऑफ द मार्क्स स्पेसिफाइड फॉर द फर्स्ट ऑथर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस है, अगर टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस है आपको या आपने जो है कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑलरेडी आप पढ़ा चुके हैं तो वहाँ पे आपको 2 मार्क्स पर दिया जाएगा। एसआरएफ या ग्रेजुएट असिस्टेंट विद पीजी डिग्री 1 मार्क्स, जेआरएफ ग्रेजुएट असिस्टेंट और 0.5 मार्क्स, इंटरव्यू का आपका 10 मार्क्स रहेगा और टोटल यहाँ पे 100 जो है वो स्कोर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस अगर वेटेज की बात करें तो एकेडमिक स्कोर का 70, रिसर्च पब्लिकेशन का 10 मैक्सिमम, टीचिंग एक्सपीरियंस का 10, इंटरव्यू का 10, टोटल 100। ठीक है, तो ये मिनिमम आपका यहाँ पे टोटल जो वेटेज है वो 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 10 मार्क्स आपका जो रहेगा वो इंटरव्यू का रहेगा, रिमेनिंग 90 मार्क्स जो रहेगा वो आपका एकेडमिक स्कोर, रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस की बेस पे रहेगा। ठीक है, तो ये वेटेज इसकी बेस पे ही आपको यहाँ पे अगर आप ज़्यादा फुलफिल करते हैं तो आपको यहाँ पे जरूर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आप जो है यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाइएगा। तो अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।